20-25 हजार गांव आ गए, एक साथ अगर इतने गांव डेवलप हो गए, तो जो पिछले 5 वर्ष में सांसदों ने गांव बोल दिया उसका डेवलपमेंट उस लेवल से नहीं हो पाया तो होना चाहिए कि उसको हमने आदर्श ग्राम दे। ये इस प्रोग्राम को स्पिरिट को देखते हुए और जिस तरह से हम अगर जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे अधिकारी गण हैं लोगों को इसमें जोड़े, क्योंकि अब जैसे कल हम एक गांव में गए थे, मैं वहां लक्ष्मण लिए अपने लक्ष्मणपुर ब्लॉक के तीनों बच्चे खड़े हुए थे, हम गांव के अंदर गए थे, वहां की सड़क बहुत खराब है, ये प्रतापगढ़ का है और रास्ता बिल्कुल बहुत खराब रास्ता है, इंटीरियर में है, लेकिन वहां पे गए वो धर्मी प्रतिष्ठा मेरे पीछे करीबन साल भर से पड़ा हुआ था कि आ जाइए, तो कल उनको क्योंकि यहाँ आना था तो मैं उनके गाँव गया, उनके दादाजी फौज में थे, तो उसमें फिर मैंने कहा आप इसको ज्वाइन करो, क्योंकि हमें यूथ को इसके साथ जोड़ने की जरूरत है, ये कॉलेजेस को जोड़ने की जरूरत है और एनजीओ और जो लोग भी काम कर रहे हैं उसको बहुत सीरियसली जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम ना बने और सरकारी प्रोग्राम के जैसे ना रह जाए, क्योंकि मैं खुद दो कमिटीज को हेड कर चुका हूँ, पंचायती राज मिनिस्ट्री में मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ भारत सरकार में, हमें मालूम है कि वहाँ पे रूरल बिजनेस हब इसी मोड से शुरू हुआ था, लेकिन वो उसका क्या हश हुआ, फिर उसके बाद हमने भी 2017 में एचआरडी कमेटी को हेड कर रहा था, तो अब ये क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और इसमें हम जरूर चाहेंगे कि सब लोग पूरा मिशन मोड पे जुड़े, क्योंकि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं उनको हम सुनना चाहेंगे, तो बाकी स्ट्रैटेजी तो हम डिस्कस कर देंगे, इम्पोर्टेंट है लोगों का पार्टिसिपेशन, उनको साथ में लेना, क्योंकि ये हम लोगों के लिए काम करते हैं लेकिन लोगों को छोड़ देते हैं, तो इसी ये इम्पोर्टेंट है। हम इसमें ये हमारे सारे लगभग जिलों में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत कम है, अब क्योंकि बैंक कहता है हमारे पास बैंकेबल प्रपोजल्स नहीं आते, हर मीटिंग में मैंने ये सुना कि बैंक जो है हमारे जो एसएचजीज बन रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी गिरा हुआ है, यहाँ से वीडियो सीडियोज और विभाग का एक रोल शुरू हो जाता है कि भैया जो तुम्हारा सीडी रेशियो गिरा हुआ है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि 60% से ज्यादा होना चाहिए आपका सीडी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, तो आप इसको हमारे साथ लिंक करो, क्रेडिबिलिटी हमें एस्टैब्लिश करनी है एसएचजीज की, क्योंकि एसएचजीज पास्ट में भी बने लेकिन अब इसको हम एक नए मोड में ले जाए और ये बैंकिंग सिस्टम के साथ है, क्योंकि 30%, 25%, 35% ऐसा हमारा सीडी रेशियो जिलों में है, आप ब्लॉक और उसको निकालिए और हर वीडियो उसको देखिए कि वो किस तरह से 60% पहुंच सकता है, तो उसमें अपने आप जो है बैंकिंग सिस्टम जुड़ जाएगा, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इसके साथ साथ हम ऑलरेडी इसमें शायद मंत्री जी हमारा सहयोग कर सके कि हम चाह रहे हैं लगभग हर ब्लॉक में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बट एंटरप्रेन्योरशिप मोड में आए, कि जो जो भी ये हम ई क्लब के साथ जोड़ना चाहेंगे, जो वहां पे एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम 100 करोड़, इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टर्स तैयार बैठे हुए, खाली हमें स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सोवरेन गारंटीज देनी है और हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज खत्म हो जाती है अगर वैसा है, तो इसको हम लोग बैठ करके हर ब्लॉक में हमारे जो भी 822-823 ब्लॉक हैं 100 करोड़ के हिसाब से हम इसको इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, उसमें से 2%, 5%, 10% हमें से 30 के आप ईयरमार्क कर सकते हैं, तो ये पूरा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है हम पूरे उत्तर प्रदेश का इस प्रोग्राम को लेते हुए, और जो आपका मंत्रालय है समग्र ग्राम विकास उसको हम पूर्ण रूपेण साक्षात जमीन पे उतार सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, क्योंकि हम मंत्री जी को भी सुनना चाहेंगे। सभी हमारे साथियों, ये सब बातें सुनने के बाद ये कार्यक्रम को, इसको, इस मिशन को सफल बनाने